टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी एंड मस्ट राइट डाउन द डेट। टीचर नेम इज धीरज वशिष्ठ। सो ठीक लेट्स स्टार्ट इनडायरेक्टली बाय राइटिंग ऑल दीज थिंग्स। आई एम गिविंग यू द टाइम टू गेट रेडी। शुड बी रेडी विद असाइनमेंट पेन नोटबुक। ओके सो बच्चे प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज लाइक दिस, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद सम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट और द हाइट इट रीचेस। कैन एनीबॉडी एस्टिमेट व्हाट इज द मीनिंग? लेट सिंप्लीफाई बच्चे। सम बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एज आई हैव शोन इन द फिगर। सपोज इट रीचेज एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। यहां से बॉडी वापिस आना शुरू होगी लेकिन अभी टॉप मोस्ट पोजिशन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि टॉप मोस्ट पोजिशन पर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एनी बॉडी? बिल्कुल सही, 100% करेक्ट आंसर। यू ऑल नो एट द टॉप पोजिशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मोमेंटरी विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिफोर इट रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड द वेलोसिटी ड्रॉप्स टू 0 वैल्यू। देयरफॉर होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एंड दैट काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज व्हाइल रीचिंग टू द टॉप पोजिशन बॉडी गेन्स द हाइट एच। और एज पर फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विल बी इक्वल टू एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी will be dropped to zero. Why zero? Because we know the formula of kinetic energy, half mv square. Once we put the value of velocity as zero, you get 0 joule kinetic energy. So the answer is kinetic energy wholly gets converted to potential energy. So which option should be correct, bete? Which option you will choose? C option. Bilkul sahi. C option is the correct reply. So this is your first question. Let's move to the second question. After discussing, मैं 3 question explain करने के बाद अपने बच्चों से response लूंगा कि आपको कौन सा समझ आया कौन सा नहीं. Okay? Second question, the mass of ball A is twice the mass of another ball B. Okay, the ball A moves at half the speed that of ball B. The ratio of their kinetic energies will be. Shabaz, sabhi bache khud se karenge isko. Try your best. Read the second question and solve it and try to give me the correct option. If anybody is finding the starting point of the solution, you can see starting point ऐसे रहेगा बेटे. रेशियो का मतलब डिवाइड करना. काइनेटिक एनर्जी ए बॉडी बी बॉडी. ट्राई टू सॉल्व इट. Just see, bete, what the teacher is doing here. Look here, teacher has written the formula, bete, in the section E. Few students are roaming here and there.
प्लीज टेक योर सीट एट द अर्लीस्ट। तो हाफ एंड हाफ गेट्स कैंसल्ड आउट, यू विल गेट एम ए बी ए स्क्वेयर एम बी 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 स्क्वेयर। सो नाउ इट हैज बीन गिवन द मास ऑफ बॉडी ए इज डबल द मास ऑफ बॉडी बी, दिस हैज बीन गिवन इन द स्टेटमेंट। सो दैट्स वाई द टीचर हैज पुट एम ए इक्वल टू दिस, गॉट इट। सिमिलरली इट इज ऑल्सो गिवन वेलोसिटी ऑफ ए इज हाफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, दैट इज ऑल्सो पुट। ओके, टू जस्ट सी आफ्टर पुटिंग वॉट आई गेट। सो मूविंग द सोल्यूशन फर्दर विच आई एम सॉल्विंग विद ब्लैक कलर, वॉट आई ऑब्जर्व, दिस टू कम्स आउट हेयर एंड हेयर इट इज टू स्केयर, वन अपॉन टू ओवरऑल स्केयर। So I can write M B V B square, and here I can write M B V B square. So what you see, whatever is written symbolically, that whole will cut out because the same thing is written in the numerator side as well as in the denominator side. But still you are left with 2 and 1 by 4. Why 1 by 4? Because you have to do square of the half. So you are left with ultimately half. So what should be the option, Bete? Can you pick up? Can you pick up the correct option? Nobody replies. I don't know why. So this is your B option. जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से हमने पुट कर दिया बस। क्या स्टेटमेंट था? फर्स्ट बॉडी का मास सेकेंड बॉडी से डबल है, फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी सेकेंड वेलोसिटी से हाफ है, दैट्स ऑल। इसको हमने पुट कर दिया। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन बच्चे। थर्ड क्वेश्चन, योर अटेंशन, थर्ड क्वेश्चन। मेरे को एक बच्चा चाहिए 9th F में। 9th F में फर्स्ट बेंच पे दो गुड़िया बैठी हैं, इसमें से एक बच्चा जो डार्क स्वेटर में है, डार्क ब्राउन, शाबाश, फर्स्ट बेंच गर्ल्स वाला, गर्ल्स वाला 9th F। यस बेटे, यू विल रीड दिस स्टेटमेंट। शाबाश, कम ऑन द माइक, एवरीबॉडी शुड लिसन। शाबाश, सिट डाउन। सो दिस गर्ल इज आस्किंग अस, सर व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मास, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज थ्री सिंबल्स। ओके, सो कैसे प्रोसीड करते हैं बच्चे? आप इनका इंडिविजुअल फार्मूला ढूंढने की कोशिश करो। पहले आप देखोगे मास तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको तो एम ही रखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आता है कि लीनियर मोमेंटम का टीचर ने फार्मूला कराया था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फिर टीचर ने यह भी कराया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्योर। अब एक चीज देखो, जो फार्मूला वो हमें जिन सिंबल्स में पूछ रहा है उसमें कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं है, जबकि हमारे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में वेलोसिटी है। इसलिए योर अटेंशन बेटे, योर अटेंशन 9th E क्लास, आपको इस वेलोसिटी के सिंबल को एलिमिनेट करना है। क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि जिन तीन सिंबल्स में हमसे आंसर पूछा हुआ है उसमें कहीं भी वेलोसिटी नहीं है। तो व्हाट टू डू, हमें मोमेंटम के फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तब वो ऐसे आएगा, वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को वेलोसिटी से इक्वेट कर दो, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सेम बॉडी की वेलोसिटीज है। जैसे मैंने वेलोसिटी को वेलोसिटी से इक्वेट करा, व्हाट यू गेट,
मोमेंटम अपॉन मास इज इक्वल टू ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास होल अंडर रूट। लेकिन हमें ऑप्शंस के मुताबिक मोमेंटम का आंसर चाहिए, सो मास गोज ऑन दिस साइड। क्लास 9 बी ना वीडियो ऑन करें। सो बच्चे टेकिंग द एम ऑन दैट साइड व्हाट यू गेट, एम ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी एंड हियर एम इन द डिनोमिनेटर अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इस एम को इनसाइड लेके जाएंगे, जबकि जब भी मास को अंदर लेके जाते हैं स्केयर रूट के तो वो स्केयर बन जाता है बेटे। सो व्हाट यू गेट, इट बिकम्स एम स्केयर हियर एंड हियर इट इज एम एंड अंडर रूट स्टिल एग्जिस्ट। फर्दर सिंप्लीफाइंग यू गेट ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी, मास कट्स विद द मास, स्केयर गेट्स रिमूव्ड, यू कम टू दिस फॉर्मूला। नाउ जस्ट लुक एट द ऑप्शंस, विच ऑप्शन यू विल सिलेक्ट बेटे, विच ऑप्शन यू विल सिलेक्ट एज द करेक्ट ऑप्शन, टेल मी शाबाश, फिंगर से बताया करो। अगर आपका ए ऑप्शन है तो वन फिंगर, टू ऑप्शन है तो डबल फिंगर खड़ा करो, विक्ट्री साइन, थ्री हम थर्ड है तो थर्ड, थ्री फिंगर्स, शाबाश। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। अच्छा बेटे, अब टीचर बच्चों की फीडबैक लेगा, शाबाश, फीडबैक जरूरी है एक टीचर के लिए। आप इसको अच्छी तरह से देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं कि हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है? अच्छी तरह से देखो तीनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लिए मेरे बच्चों ने। अब आपने टीचर को रेस्पॉन्ड करना है, कैसे करना है, जैसे टीचर बता रहा है वैसे। कोई भी बच्चा शाही नहीं करेगा, मैं आपसे अभी पूछूंगा कि बेटे आपको समझ आया कि नहीं। अगर आपको समझ आ गया तो आपने राइट हैंड खड़ा करना है, अगर आपको नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड खड़ा करना। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो दोनों में से एक भी हाथ ना खड़ा करे, और शर्माना बिल्कुल नहीं, राइट? सो और साथ में आवाज देनी अगर समझ आया तो, यस सर। सो माई क्वेश्चन, हैव यू अंडरस्टूड दीज थ्री क्वेश्चन? बेटे एक हाथ जरूर खड़ा करना है, या लेफ्ट या राइट। थैंक यू, थैंक यू। इट मीन्स फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस मेरे बच्चों को क्लियर है, तो आई शुड कॉन्फिडेंटली मूव टू द फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चंस। ओके, सो मैं चाहता हूं नाइन्थ ई में वो बच्चा खड़ा हो जाए जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए थे क्लास में साइंस में, शाबाश। नाइन्थ ई में मैक्सिमम मार्क्स किसके आए थे लास्ट एग्जाम में? आ जाओ बेटे, आ जाओ जल्दी। नाइन फोर्थ क्वेश्चन को स्टडी करो, स्टेटमेंट को रीड करो, और मेरे को इसका आंसर बताने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन, शाबाश। व्हाट यू विल रिप्लाई एंड हाउ यू रीड इट, बेटे हैं, आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस, बी क्विक। फोर्थ क्वेश्चन, बेटे बहुत देर ले रहे हो बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू रीड इट? आई थिंक स्टूडेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो हाँ जी बेटे, आ गए आप, आ जाओ आ जाओ। फोर्थ, शाबाश शाबाश। अगर आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं तो रीड करो फोर्थ क्वेश्चन, नाइन्थ ही। फोर्थ क्वेश्चन रीड इट, माइक तो ऑन करो बच्चे, माइक ऑन करो। आप में से दो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ में जाए, बिकॉज दे विल रिप्रेजेंट यू एट क्लास। जी फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। चलेगा उसके साथ, फिर वो पहले लेके जाना। चलिए ठीक है। बेटे आप, आपका ना माइक शायद ठीक नहीं है, अब वॉइस आ नहीं रहा। बैठो आप, बैठो, कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम रख रहा है माइक में। सो क्वेश्चन नंबर फोर, लेट्स गो थ्रू। बेटे ये मेरे हिसाब से स्टार लगा लो, अगर मैंने पेपर बनाया होता तो ये जरूर डाला होता पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड
वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय, ध्यान से सुन लो इसका क्वेश्चन का मीनिंग। आप इसे मेरे साथ जाएंगे, बताएंगे अपना रीजन की क्यों नहीं लगा, वी विल नॉट से हम आपको आगे कर देंगे, ठीक है ना। बड़े इंटरेस्टिंग नहीं है सभी का, ध्यान से सुनो। एक पार्टिकल को बॉल लगा लो, एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका और नेचुरली वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वापिस आएगा, तो आपने ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम में कैसा ग्राफ आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम में कैसा ग्राफ आएगा। याद रहे काइनेटिक एनर्जी और टाइम में है, ना कि वेलोसिटी में। सभी बच्चों को पता है कि जब ये बॉडी ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे स्लो पड़ता जाएगा, टॉप पोजीशन पर जाकर एक क्षण के लिए मोमेंटरीली इट विल स्टॉप और फिर नीचे गिरते गिरते फिर से तेज होने लगेगा, ऊपर जाते हुए स्लो हुए। सभी बच्चों को ये पता है बात, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस करा होता है खेलते खेलते। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है बच्चे, गौर से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने ग्राफ किसमें किसमें ड्रा करना है, काइनेटिक एनर्जी और टाइम में करना है बेटे। तो इसमें तो टाइम है ही नहीं है, फॉर्मूले में टाइम है ही नहीं कहीं पर भी। तो जब तक हम टाइम का सिंबल नहीं लेकर आते फॉर्मूले में, तब तक हम ग्राफ ड्रा ही नहीं कर सकते। तो हमें किसी भी तरह से टाइम का सिंबल इसमें लेकर आना पड़ेगा। कैसे, एक बच्चे ने बोला सर मेरे को पता है, ऐसे ढाओ बेटे। तो बच्चा कह रहा है सर वेलोसिटी जो होती है ना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। सर बिल्कुल सही, यू प्लस एटी होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या डीएक्सेलरेटेड मोशन में। कह रहा है सर जब हम इसको पुट करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वेरी नाइस, तो जैसे ही मैंने इसको पुट करा, सो एम यू प्लस ए और टी ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे ऊपर जाते हुए, इसी फार्मूले को नीचे आते हुए, गॉट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे आते हुए डिस्कस करता हूं, पहले पहले नीचे आते हुए, जब ये नीचे आएगी ना बॉडी टॉप से नीचे, तो आपको पता है टॉप के ऊपर शुरुआती वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्यों, टॉप पर जाकर बॉडी मोमेंटरीली रेस्ट पर आ जाती है, रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेंगे, शुरुआती वेलोसिटी जीरो, फिर वो नीचे गिरते गिरते तेज होएगी बेटे। इसका मतलब अगर हम डाउनवर्ड मोशन डिस्कस करेंगे तो इस फॉर्मूले में यू को जीरो कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड इट बिकम्स हाफ एम, यू को जीरो पुट करा और डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हुआ और ये हो गया टी का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स एम जी स्क्वायर अपॉन टू और टी का स्क्वायर। ये देखो बेटे, अब जितनी चीज टीचर ने ब्रैकेट में डाली है ये फॉर ए गिवन बॉडी कांस्टेंट है। देख लो किसी बॉडी का मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी 9.8 होता है वो भी कांस्टेंट हो गया, और यहां पर कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे बन जाता है। अब जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का फॉर्मूला आ गया, अब इसके दोनों तरफ के पैरामीटर देखो, काइनेटिक एनर्जी के पैरामीटर की पावर कितनी है 1 और टाइम के पैरामीटर की पावर कितनी है 2। जब भी कभी ऐसा रिलेशन आ जाए कि प्रोपोर्शनैलिटी के एक तरफ पावर 1 हो और दूसरी तरफ पावर 2 हो, तो ग्राफ हमेशा और हमेशा पैराबोला होता है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर मेरे पास इधर टाइम ले लूंगा और इधर काइनेटिक एनर्जी ले लूंगा तो यहां पर पैराबोला ग्राफ बनेगा। पैराबोला मतलब कप शेप्ड। और इसी तरह से जब ये ऊपर जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी टाइम के हिसाब से गिरती है, कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब ऊपर जाती है वेलोसिटी स्लो पड़ती है। यस, टाइम के बीतने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, जब टॉप पर पहुंच गया उसके बाद दोबारा नीचे गिरी बॉडी तो फिर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। गॉट इट। सो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बच्चे आप, कौन सा, प्लीज लुक एट, गुलाई में होना चाहिए ये, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे हैं? बोलो बेटे, गलती से भी ए ऑप्शन नहीं चूज करना, ए और डी मैच करते हैं, डी मैच करता है, डी लेना है, ये वाला नहीं लेना आपने जिसमें शार्प लाइन है,
शार्प लाइन नहीं ले सकते बेटे आप, क्योंकि एक तरफ स्क्वायर है पैरामीटर, एक तरफ पावर वन है, ठीक है। तो ग्राफ का शेप क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। तो आपको फोर्थ का डी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में टीचर ने खास बात क्या बताई, टीचर ने खास बात यह बताई कि जिन दो पैरामीटर्स में आपने ग्राफ ड्रा करना है वो फार्मूले में आने चाहिए। ये देखो जिस लूप को मैंने सर्कल में डाला, इसमें टाइम भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तब जाके एक टाइम भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी दोनों पैरामीटर होने चाहिए, तब आप ग्राफ की जजमेंट कर सकते हो। गॉट इट। अब मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर फाइव बच्चे, क्वेश्चन नंबर फाइव। डोंट वरी, अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया तो तुम्हें पता है टीचर द्वारा पूछता होता है आपसे, मैं आई विल टेक द फीडबैक, देन ओनली आई विल प्रोसीड फर्दर, डोंट वरी एट ऑल। मेरे को पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था आपके लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया उनको टीचर पहले स्टेटमेंट का मतलब बताएंगे, बशर्ते के बच्चा ध्यान से सुनेगा। बेटे वो बोल रहा है ये एक कार है, इसका जो मास है वो है 1500 किलोग्राम, ओके। फिर वो कहता है इस कार को हमने तेज कर दिया, पहले कम वेलोसिटी से चल रहा था, फिर इसको कार को ज्यादा वेलोसिटी दे दी। कम से कितनी वेलोसिटी से चल रहा था, 30 किलोमीटर पर आवर, और बाद में कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर। कहता है ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा, ये कैलकुलेट करें। शाबाश, तीन क्लासे हैं, तीनों में कंपटीशन। मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे को इसका मेथड बता सके, ओनली मेथड कि सर ऐसे ऐसे कर लो आपका आंसर आ जाए। वर्क डन विल बी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा बोल रहा है ये? नाइन्थ ही जसमीत। नाइन्थ ही जसमीत, बिकॉज ऑफ यू, तो नाइन्थ ही इज द विनर क्लास, बिकॉज शी डिक्लेयर्ड, शी अनाउंस्ड, शी टोल्ड वेरी वेरी करेक्ट फॉर्मूला। शाबाश बच्चे, ब्रेवो। इस बच्चे ने मेरे को बताया कि सर क्योंकि आपकी वेलोसिटी यू से बढ़कर वी बन गई, इसका मतलब जितना भी आपने वर्क किया होगा इस कार के ऊपर वो कार की इंक्रीज इन वेलोसिटी में जाके स्टोर हो गया। इसलिए अगर आप वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर दो। मैंने कहा बेटे माइनस क्यों करना है इनिशियल, तो बच्चा बता रहा है कि सर इतनी एनर्जी तो, इतनी वेलोसिटी तो बॉडी में तभी थी ना जब आपने अभी वर्क करा ही नहीं, इसलिए जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर एनर्जी है वो तो आपको माइनस करनी पड़ेगी। आप तो अपना वर्क पूछ रहे हो, आपके वर्क ने तो चलती हुई कार को तेज किया है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल का क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर। जब भी कभी कैलकुलेशंस करनी हो ध्यान से देखना, तो आपको कॉमन जरूर लेना चाहिए जितना भी मैक्सिमम आ सके, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। गॉट इट बच्चे, तो मास की कितनी वैल्यू है, 1500, ओके। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फॉर्मूला देखा होगा, उससे इजीली कैलकुलेशन हो जाती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो कोई बच्चा पूछता है सर आप इसकी वैल्यू पुट क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं पुट कर रहा वी और यू की वैल्यू, क्योंकि मैंने चेक कर लिया कि ये ऐसा ही यूनिट में नहीं दे रखी, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो टीचर मेरे से गलती करवाने की कोशिश कर रहा है। तो एज ए स्टूडेंट आई एम वेरी मच अटेंटिव,
मैं 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। कैसे? 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? 60 into 60, या शॉर्ट में आप 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 30 into 5/18 ऐसे ही, इधर इसी तरह से 60 into 5/18 आ जाएगा। तो अब मैं इनको रखूंगा, देखो 30 into 5/18 प्लस 60 into 5/18, और देखो 30 सॉरी इसमें वी आ गया है, 60 into 5/18 माइनस 30 into 5/18। ओके हाँ, तो कॉमन क्या निकालेंगे? 750, और इसमें से क्या आ जाएगा बच्चे? ये तो देखो 18 कॉमन आ गया पहली वाली ब्रैकेट में, और क्या कॉमन आ गया? 5 कॉमन आ गया, और क्या कॉमन आ गया बेटे? 30 कॉमन आ गया, तो बचा क्या आ गया? 1 + 2। सेकंड ब्रैकेट में 2 - 1, बस अब इसको आप सॉल्व कर लेना बेटे, ठीक है। 750 × 5 × 30/18 × 3 × 1, तो कैलकुलेशंस आपने खुद करनी है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो 3 का 6 आ गया और 60 50 आ गया, ठीक है। तो 750 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। सो टीचर ने अपने बच्चों के सामने 2 क्वेश्चंस करे, 4 और 5। जजमेंट कर लो, जजमेंट कर लो, शाबाश। अब टीचर फिर से वही क्वेश्चन पूछने लगे हैं, आपने रेस्पॉन्ड करना है प्रॉपर। अगर समझ आ गया तो राइट हैंड, अगर नहीं समझ आ रहा तो लेफ्ट हैंड, और वो भी आवाज के साथ। कोई भी बच्चा शर्माएगा नहीं, अपने दोस्त की तरफ नहीं देखेगा। अगर नहीं समझ आया कोई भी, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड खड़ा करेगा। जजमेंट करो, मैं पूछने वाला हूं। सो माय क्वेश्चन टू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दीज 2 क्वेश्चंस? यस सर। लेट मी चेक, शाबाश शाबाश, दोनों में से एक हाथ जरूर खड़ा होना चाहिए। थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर गुड ब्रेन। और हम दोनों का, हम मुझे और आप बच्चों को, हम दोनों को सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए उन टीचर्स का जो आपके क्लास में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी समझ में नहीं आता बेटे, ये याद रखना। और उस टीचर का भी थैंक यू करना चाहिए जिन्होंने स्कूल में आपका बेस बनाया हुआ है। अगर अच्छा बेस ना बनाया होता तो ये अच्छे वाले न्यूमेरिकल नहीं समझ आते, ये गारंटी है इस बात। जरूर आपके साइंस के टीचर अच्छे टीचर हैं। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन, शाबाश। लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन बेटे। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? थ्योरी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। कोई ऐसा बच्चा है जो इसका इंग्लिश में आकर मेरे को बड़ा अच्छा बोल सके? कह रहा है एक बॉडी को ऊपर को फेंका और धीरे धीरे नेचुरली वो टॉप पोजीशन पर जाके मोमेंटली स्टॉप होती है, और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा? देखो मान लो ये क्वेश्चन मैं पेपर में 3 मार्क्स का डालू, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का नहीं है, 3 मार्क्स का, तो कौन बच्चा इसकी अच्छी लैंग्वेज बनाएगा इंग्लिश में और मेरे को माइक पे आके सुनाएगा? हरिया हरिया प्लीज कम, 3 मार्क्स का आंसर देना है, और यहाँ टॉप पर जाकर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, आपको बताना। शाबाश, एनीबॉडी मेक द इंग्लिश, कम टू द माइक, शो योर डियर, एनी डियरिंग स्टूडेंट आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन क्लासेस, 4 सेक्शंस। बेटे आपका इंग्लिश तो अच्छा है लेकिन आंसर सही नहीं बना, आंसर सही नहीं बना। और कोई बच्चा, मैं बताऊंगा फिर कैसे क्यों नहीं बना। एनीबॉडी एल्स? बॉडी ऊपर जा रही है, टॉप पर जाने पर काइनेटिक एनर्जी को क्या हो जाएगा और क्यों होगा? एक और बच्चा आ रहा है, शाबाश।
only one daring student I need out of the four sections. बेटे ऐसा कोई मौका दे ना टीचर उसको ग्रैब करना चाहिए. यू नो व्हाई? क्योंकि इससे लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं. बोलो बोलो. एक बच्चे ने कुछ जवाब दिया है लेकिन बिकॉज ऑफ माइक प्रॉब्लम आई कुड नॉट लिसन प्रॉपरली. सो बैठो बेटे बैठो. जरूर दोनों में से किसी ने सही जवाब दिया होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट. सो यू विल से व्हेन द बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, गॉट इट, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी द बॉडी स्लोज डाउन. क्योंकि बॉल अगर ऊपर फेंकेंगे तो अर्थ तो उसको अपनी तरफ खींचता है ना. व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन. डीएक्सेलरेटेड मोशन मतलब स्लोली या ग्रेजुअली. सो एट द टॉप मोस्ट पोजीशन बॉडी मोमेंटरली स्टॉप्स बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड. As the body stops, its current velocity becomes zero, falls to 0 meter per second. Therefore, as per formula of kinetic energy, half mv square, when we put the body velocity equal to zero, the kinetic energy comes out to be 0 joule. ऐसे आपको लैंग्वेज बना के लिखना है जब थ्योरी का क्वेश्चन आए तो. So now there is seventh question. शाबाश बेटे. Let me read this question for my students. The velocity of a body moving in a straight line is increased by applying the constant force for some time in the direction of the motion. Prove that the increase in kinetic energy of the body is equal to work done by the force on the body. अब इसका meaning क्या है question का? ध्यान से सुनो बच्चे. इसका मीनिंग यह है कि अगर एक बॉडी यू वेलोसिटी से चल रही है तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, बाद में उसका वेलोसिटी बढ़ गया और वो वी बन गया, तो नेचुरली उसकी उसके उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो गया. आपने ये बताना है कि इस वर्क ने जो भी इस बॉडी को तेज करने में वर्क किया वही इसकी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज के रूप में स्टोर हो जाएगा. बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट एस कवर करा. ये ऐसा क्वेश्चन है थ्योरी का और हमने इसको प्रूव करना बेटे. प्रूव. क्या कोई बच्चा है इसको जो प्रूव कर सके? एनीबॉडी? एनीबॉडी हु कैन टेल मी के कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं समझते हैं. शाबाश शाबाश. एवरीबॉडी पे योर अटेंशन प्लीज. इस पे भी स्टार लगा लो बेटे. अगर मैंने पेपर बनाया होता तो ये क्वेश्चन डाला होता. स्टार लगाओ इस पे. सो आप ऐसे बोलोगे, ध्यान से देखना बच्चे, आप ऐसे बोलोगे योर अटेंशन. आप कहोगे सर वर्क जो होता है ना वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम. मैंने कहा बेटे ये एंगल कौन सा होता है? बच्चा कहता है सर जिधर को फोर्स लग रहा है या जिधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर को फोर्स लग रहा है उन दोनों की डायरेक्शंस के बीच में एंगल होता है. तब मैंने उस बच्चे को बोला मेरे क्वेश्चन में तो फोर्स भी उधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है. तो तब बच्चा कहता है क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो सर आप कॉस ऑफ 0 degree ले लो. तो कॉस ऑफ 0 degree सभी बच्चों को पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के मुताबिक 1 होता है. इसका मतलब आपने अगले स्टेप में इसको 1 डाल दिया. लेकिन साथ में मैंने बच्चों से फोर्स का फॉर्मूला पूछा. बच्चे कह रहे हैं सर फोर्स का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. So, मैंने उसको m into a लिख दिया, साथ में इसको बिकॉज करके लिख दिया ताकि टीचर मेरे मार्क्स ना डिडक्ट कर सके, चेक करने वाला टीचर.
सो अल्टीमेटली मैं इस जगह पर पहुंचा कि वर्क इज इक्वल टू एम ए एस मास एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। फिर मेरे को एक और फॉर्मूला पता लगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से मेरे को एक फॉर्मूला पता लगा। कौन सा पता लगा बेटा? वो फॉर्मूला था लाइक दिस, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। क्या आपने ये फार्मूला सुना हुआ है बच्चे? सुना हुआ आपने ये फार्मूला? यस बेटा, जब भी आपने यस जवाब देना टीचर को, राइट हैंड खड़ा। हैव यू लिसन्ड दिस फार्मूला? हाँ, सभी बच्चे यस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से ए एस की वैल्यू निकालूंगा एंड दैट आई विल इंसर्ट हेयर, ऊपर वाले ए एस में पुट कर दूंगा। तो मेरे को ऐसा पुट करने से वर्क कितना बन जाएगा, मेरे पास इतना बनेगा एम, देखो इस टू को नीचे लाना पड़ेगा, एम तो तुम्हारी ए एस की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद क्या होगा, मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करूंगा तो ये क्या बन गया, हाफ बी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर एम के साथ। तो मैं ध्यान से बताऊंगा अपने उस टीचर को कि हाफ एम बी स्क्वायर बेसिकली फिगर के मुताबिक मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और हाफ यू स्क्वायर मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों का डिफरेंस का मतलब होता है, ये ट्रायंगल का सिंबल डालते हैं इसको डेल्टा बोलते हैं, इसका मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं उसको अच्छी तरह से बता दूंगा कि मेरे द्वारा करा गया वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुका है, ये इक्वल आ गए हैं। और यही मेरा क्वेश्चन था, देखो प्रूफ भी यही करना था। क्या आज दोनों क्वेश्चंस ध्यान से देख लो, और टीचर आपसे पूछने लगे हैं वही वाला क्वेश्चन, इसमें क्या किया टीचर ने, वर्क के फार्मूले में इक्वेशंस ऑफ मोशन का फायदा लेकर ए एस की वैल्यू पुट करी है और सिंप्लीफाई करा। अब फिर से आपने एक हाथ खड़ा करना जरूर, हैव यू अंडरस्टूड सिक्स एंड सेवंथ क्वेश्चन? शाबाश 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 बेटे। एक जो बच्चा उन आपको पेरेंट्स की कसम है, अगर दोनों में से एक हाथ नहीं खड़ा कर, वंस अगेन हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटे, आजो आजो आओ आओ। जो सिक्स क्वेश्चन है उसके आप के बारे में कहा है, आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो। ये देख, अच्छा ये सिक्स्थ क्वेश्चन में, अच्छा सिक्स्थ क्वेश्चन में रिवर्स है बैठू, सिक्स्थ क्वेश्चन में अगर ऊपर जाएगा तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन आएगा, अगर क्वेश्चन के मुताबिक अगर बॉडी नीचे को गिरा बेटे, नीचे को गिरा तो ये बॉडी यूनिफॉर्मली डी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, फिर तेज होएगा बच्चे, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी उस वक्त मैक्सिमम हो जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत ही अच्छा। ये वाला बच्चा कौन सा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये बच्चे को शाबाश देनी पड़ेगी जिसने बोला, क्योंकि बॉडी जब नीचे को गिरेगा तो ये तेज हो जाएगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा ग्राउंड से जस्ट पहले, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम होएगा और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरीबॉडी नोज, शाबाश। ये इवेंचुअली डाउनवर्ड्स है, नॉट अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स में इंक्रीज होगा, अपवर्ड में नहीं। तो हम इस असाइनमेंट का एट्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम, शाबाश बेटे। एट्थ क्वेश्चन, प्लीज रीड सर। हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इफेक्टेड बाय द मोमेंटम। देखो बेटे शाबाश, टाइम इज ओवर। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने कर लेने दो मेरे, तो काइनेटिक एनर्जी की असाइनमेंट खत्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और एक इनर्शियल रीजनिंग का। सो देखो शाबाश, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, गॉट इट? और हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। सो आप गौर से देखो, अगर मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दूंगा, गॉट इट, तो क्या होगा, हाफ एम
वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रखेंगे, पी अपॉन मास की वैल्यू। तो अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी और यहां पर हमारा पी स्क्वायर और यहां पर एम। अब गौर से देखो, मोमेंटम भी न्यूमरेटर में है और काइनेटिक एनर्जी भी न्यूमरेटर में है, तो काइनेटिक एनर्जी नेचुरली इंक्रीज होगी अगर मोमेंटम इंक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होएगी अगर मोमेंटम डिक्रीज हो। कैसे पता लगा, क्योंकि ये भी न्यूमरेटर साइड पर है और मोमेंटम भी न्यूमरेटर साइड पर है। सर ने इसको v की वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मोमेंटम को चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, इसलिए वो मोमेंटम फॉर्मूले में होना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन, फिर हम अगली बार पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। अब बॉडी हैव, ए बॉडी कैन हैव एनर्जी विदाउट मोमेंटम, बताओ। जैसे मैं मोमेंटम को जीरो पुट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसलिए असर्शन रॉन्ग हो गया इसका। यस, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी, ये कैसे हो सकता है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द एनर्जी। देखो तो काइनेटिक एनर्जी का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ये वाला, शाबाश। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फार्मूला होता है तो ये भी होता है, स्टैंडर्ड फार्मूले देखने। इन दोनों में कहीं भी मोमेंटम है नहीं है बेटे, मोमेंटम है इसमें कहीं? देखो बच्चा कहता है सर, कोई बच्चा कहता है सर मोमेंटम ऐसे पड़ा है, ऐसे ये देखो पी लिख दो। तो जब भी हमने ये देखना कि कंट्रीब्यूशन है या नहीं, तो हमने उस पैरामीटर की आगे डिपेंडेंस देखनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आज खत्म हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आप करके आओगे, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे, टाइम इज ओवर नाउ बच्चे। ओके, थैंक यू, हैव यू अंडरस्टूड टुडेस लेक्चर? यस। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे, सर आप सिक्स क्वेश्चन दोबारा समझा सकते हो? कौन से वाला, कौन से वाला? सिक्स्थ क्वेश्चन में बेटे ऐसे है, सुनो, सिक्स्थ क्वेश्चन में ऐसे है, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में जब बॉडी नीचे गिरी ना ऊपर से नीचे, तब आप बोलोगे कि ग्राउंड से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड से टच करने के बाद उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हीट में और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, टच करने से जस्ट पहले वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जस्ट पहले टच करने के बाद, क्योंकि ग्राउंड पे टच करने के बाद वेलोसिटी रुकगी, बॉडी रुकगी, स्टॉप होगी, तब उसकी सारी एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ बेटे, हाँ वो मैंने उस वक्त उसको ऊपर को रीड कर लिया ना, मैंने जो एक्सप्लेन करा था वो ऊपर को एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए हो गया था। यू आर राइट।